नमस्कार बच्चों, चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने इनविटेशन रिप्लाई के जो फैमिली फंक्शन होते हैं उनको देखा था। आज हम देखेंगे कि मान लीजिए स्कूल में कोई फंक्शन है और उसका हमें रिप्लाई देना है तो वो किस तरह से बनेगा, समझ लें। इसको हम एक प्रश्न के द्वारा समझेंगे। प्रश्न है, मानो यू हैव बीन इनवाइटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड the staff of government senior secondary school Rudabar। to attend its annual function on 5th February 2021 at 3 p.m. The collector will be the chief guest of the function. Write a formal reply accepting the invitation. यहाँ प्रश्न में देखें कि स्कूल के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है, समझ लें कि यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है प्रिंसिपल और स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रुदावल की तरफ से। उनका एनुअल फंक्शन है 5 फरवरी 2021 को शाम को 3 बजे और कलेक्टर उसमें चीफ गेस्ट हैं। देखें, उसी की तरह से हम लगभग बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेंगे। यहाँ देखिए, यू इस संस्था के द्वारा बुलाया जा रहा है तो यहाँ पर श्रीमती लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक व्यक्ति का ही नाम के हिसाब से इसको हम बनाएंगे। तो जो गेस्ट है वो यहाँ अपना पता लिख देगा। मान लीजिए हमने यहाँ एड्रेस लिखा, कोई भी लिख सकते हैं आप, प्रश्न में नहीं दिया जाता ही। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे मिस्टर, कोई भी एक नाम लिखें और ये नाम किसका होगा, गेस्ट का। कोई भी नाम लिखें मिस्टर लगाकर, थैंक्स, वो धन्यवाद देंगे किसको। यहाँ पर होस्ट कौन है, यहाँ पर होस्ट है प्रिंसिपल और स्टाफ इस स्कूल का, तो यहां लिख देंगे आप द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी एड्रेस लिख रहा हो वही लिखें। ये पूरी लाइन, एक पूरा जो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं होस्ट का नाम, ये पूरा एक ही लाइन में आएगा। उसके नीचे
फोर्थ ईयर काइंड इनविटेशन, टू अटेंड यहाँ पर द लगाकर फंक्शन का नाम लिख दें, द एनुअल फंक्शन। उसके बाद नीचे ऑन लगाकर तारीख लिख दें, प्रश्न में दे रखी है 5 फरवरी 2021, ऐड लगाकर समय लिख दें। इसका लिखने का उद्देश्य होता है कि जो होस्ट है उसको ये पूरा भरोसा हो जाता है कि हमने पूरी जानकारी इस इन्विटेशन के बारे में ली है। ऐड लगाकर कहाँ पर हो रहा है फंक्शन, स्कूल में, तो स्कूल के सभागार में लिख दें, स्कूल ऑडिटोरियम। और नीचे प्रश्न में दिया है देखें कि चीफ गेस्ट कौन है, कलेक्टर लिख दें, द कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ, तो लास्ट में हमारी वही लाइन है, उसमें लिखते थे हम दे हैव ग्रेड जो है, क्योंकि वहाँ पर श्रीमती श्रीमान दोनों थे, यहाँ पर एक व्यक्ति लिखा हमने, इसलिए लिखेंगे ही हैज ग्रेड जो है इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इसको आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें। एक बार और थोड़ा सा देखें कि प्रश्न में दिया है कि आपको आमंत्रित किया गया प्रिंसिपल और स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदावर की तरफ से उनके एनुअल फंक्शन में 5 फरवरी 2021 को 3 बजे, कलेक्टर उसमें मुख्य अतिथि हैं, तो आपको रिप्लाई देना है। कोई भी यहाँ एड्रेस गेस्ट का लिखेंगे आप, मिस्टर लगाकर, यहाँ ये नाम आया क्या, ये किसका नाम है, ये गेस्ट का नाम है और ये गेस्ट का पता है। थैंक्स। यहाँ पर ये जो हमने लिखा पूरा, ये होस्ट है भाई, संस्था में जो फंक्शन हो रहा है तो वहाँ का जो संस्था का लीडर है वो, और उसका स्टाफ, जो भी संस्था प्रश्न में दे रखी है उस हिसाब से आप उसको यहाँ मैनेज करेंगे। तो प्रिंसिपल और स्टाफ, ये हमने प्रश्न में से लिया। फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, उनके आमंत्रण के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। कार्यक्रम का नाम आ गया, ऑन लगाकर तारीख और वर्ष, ये समय आ गया, स्थान कहाँ है, स्कूल का ऑडिटोरियम है, कलेक्टर इसमें चीफ गेस्ट हैं और उनको बहुत खुशी हुई, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, ही इज ग्रेट जो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब इसी में मैं आपको एक और बता दूँ कि अगर एक्सेप्टिंग की जगह यहाँ डिक्लिनिंग आता है तो आप नोट लगा के लिख लेंगे कि अगर एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लिनिंग आता है तो ये जो लास्ट की लाइन है इसको हम यहां से हटा करके इसकी जगह क्या लिख देंगे, व्हाट ही इज अनेबल टू अटेंड द फंक्शन इससे लिखता हूं, देखिएगा नहीं, अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू, वही लगाएगा, सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल रीजन। कारण यहाँ पर वही इनफॉर्मल देना है, फॉर्मल देना है, सॉरी, इनफॉर्मल में इनफॉर्मल आता है, यहाँ पर फॉर्मल चल रहा है, तो इस लाइन की जगह हमें ये लाइन बदलनी है, बाकी पूरा यही रहेगा। तो इस तरह से हमने जो पहले पढ़ा था उसमें फैमिली में कोई प्रोग्राम हो रहा है,
हमारे घर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। यहाँ एक संस्था में कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर हम चीफ गेस्ट के रूप में या किसी एक्ट के लिए हम जज बुला रहे हैं, यहाँ पर हमें लिखना है। तो एक्सेप्टिंग के लिए इस तरह से पूरा आएगा और एक्सेप्टिंग की जगह डिक्लेनिंग आता है, तो ये लाइन लास्ट वाली ही इज ग्रेट जो है एक्सेप्टिंग द इनविटेशन को हटा करके, व्हाट ही इज अनेबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिशियल रीजन भी आप लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बात और देखें, कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर आर्टिकल कराएं, रिपोर्ट कराएं। तो एक बात ये समझ लें बच्चों कि एक क्रम से चलें आप, आपके आर्टिकल रिपोर्ट स्पीच सारे होंगे, टेंशन नहीं करें। और जो मैं लिखाऊंगा उसी में से 100% आएगा एग्जाम में, परेशान नहीं हो, सारे लिखाऊंगा। तो पहले आप इसको लिखें, कृपया इसको पूरे नोट्स बनाते चलें, पूरा वीडियो देखें, उसको लिखें और बच्चों को शेयर करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों की समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए मैं यहाँ लाऊँ, सारी चीज़ आपको कराऊँगा, बुक्स भी कराऊँगा, टेंशन नहीं करें। तो कुछ तरह से कराऊँगा कि आपने शायद ही अब तक पढ़ी होगी, तो ये बात आप नोट करें फटाफट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।